आपके अंदर भरोसा है, इसलिए मेरा, और वो भरोसा मैंने आपसे बिना पूछे 13 तारीख को जब विश्वास मत प्राप्त किया, हमारे मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर दे चुके थे, विश्वास मत प्राप्त हो चुका था। उसके बाद आखिरी 5 मिनट में आपके उस भरोसे पर कि मुझे अपने मतदाताओं पर विश्वास है, करनाल के मतदाताओं पर, कि मैं आज अपने मुख्यमंत्री को एक विधानसभा देख रेख करने के लिए, और तो कोई खाली है नहीं मध्य में, लेकिन अपनी करनाल विधानसभा से मैं त्याग पत्र दे करके इनको सेवा का मौका, आपकी सेवा ये करें। उसी दिन 13 तारीख के साथ हो गए हैं कोर्टों में और चुनाव आयोग ने ये वो के 6 महीने के लिए चुनाव क्यों कराना। हमने कहा संविधान की व्यवस्था है कि 6 महीने चुनाव कराना पड़ेगा, 6 महीने ज्यादा समय है, 6 महीने से कम रह जाते तो शायद ना भी कराते। अब वो हाई कोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए, लेकिन कोई चिंता नहीं हमको, हमको ये चुनाव जीत करके, और मुझे इस समय चुके मैं उल्लेख हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी का भी करना चाहूंगा, आखिरी क्षण तक करना मेरा दायित्व है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका दायित्व निभाने के लिए आपकी भूमिका हम तय करेंगे, क्या भूमिका होगी। मैंने कहा बताइए। तो जैसे ही 13 तारीख को ये सारा क्रम हुआ, 13 तारीख को ही शाम को ये सूची निकलती है, सूची से पहले की बात, उन्होंने कहा कि आपको हम करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मैंने कहा एक छोटी सी शर्त है मेरी, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं जरूर लड़ जाऊंगा। कहने क्या शर्त है, आप ही शर्तें रखोगे। मैंने कहा मुझे आज मन कर रहा है, मन ही है कि हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संजय भाटिया जी की सहमति के बिना मैं ये दायित्व नहीं लूंगा। तब संजय भाटिया जी से बातचीत हुई, इन्होंने इसमें हां की और उन्हें शाम को जो है उसकी घोषणा कर दी। ये त्याग और समर्पण कम नहीं है, ये होड़ भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, लखनऊ में अंदाज में दोनों जगह होड़ होती है। लखनऊ अंदाज में क्या होता मालूम है, पहले आप, पहले आप, पहले आप, इस चक्कर में उनकी गाड़ी छोड़ जाती है। यहां भी हम भी कहते हैं पहले आप, पहले आप, कांग्रेस भी कहती है पहले आप, पहले आप, अंतर कहां है। हमारे यहां तो कोई चीज एक है हमारे हाथ में है, वो किसके पास रहे, ये होड़ होती है कि मुझे नहीं पहले आप लीजिए, आपको देनी है।